गया है। देखो क्या है, खाने में मस्त बहुत सारा आइटम है यार। रात में जो खाया था मैं खा रहा हूँ। तो जैसे अब दुबई में उतरोगे आपको सबसे पहले PCR टेस्ट करना पड़ेगा। निकल के आपके स्टेट जाना पड़ेगा, जैसे अभी आपने देखा वहाँ आपको PCR टेस्ट करा के फिर आपको दुबई कनेक्ट के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से हमें होटल लेके जाया जाएगा। तो जैसा बताइए, हमें स्टेट जाके वन लेवल डाउन जाके वहाँ से एमिरेट्स कनेक्ट का बस या कोई सर्विसेज है जो हमें होटल की तरफ लेके जाएगी। इंडियन टाइम से 1.5 घंटा पीछे है दुबई। सो ये है हमारा दुबई कनेक्ट। बहुत यार, 8 दिन पहले मैंने इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स सब भेज दिया था वीज़ा के लिए इमरेट्स को, बट वीज़ा रेज नहीं किए। उसके बाद मैंने फिर 4 तारीख को रिमाइंडर किया था कि कोई अपडेट नहीं आया, फिर भी वीज़ा रेज नहीं किए। ये बोलता है कि वीज़ा रेज नहीं हुआ, रेज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं मैनुअल इंडियन पासपोर्ट वाले लोग के लिए नहीं है, US पासपोर्ट होल्डर वाले लोग के लिए। इतना दिन पहले से भी सब डॉक्यूमेंट चेंज करने के बाद भी वीज़ा नहीं है। बोले अप्लाई करेंगे, देखते हैं मिल जाएगा जल्दी तो फिर चलेंगे होटल, तब तक यहीं पर बैठते हैं। बोला बैठने को तो अभी बैठते हैं, देखते हैं। यार खाली फोकसबाजी में रह गया यार, बड़ा बड़ा दिखावा, प्लेन व्लेन, काम के टाइम में काम नहीं। चला 8 दिन पहले से एकदम दिमाग ख़राब हो गया सुबह है, 24 घंटे से नींद पूरा नहीं हुआ है। ये लोग साला वीज़ा प्रोविजन नहीं किया, बताओ मोदी जी कुछ करिए यार, क्या हो रहा है सब। वीज़ वाले वीज़ा होल्डर वाले लोग को मैनुअल करके दे सकते हैं, लेकिन इंडियन वीज़ा होल्डर वाले लोग को मैनुअल ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उनका वीज़ा मेरा वीज़ा बेकार, सॉरी उनका पासपोर्ट मेरा पासपोर्ट बेकार। घंटा होने को ऑलरेडी, देखते हैं बैठते हैं अभी कब तक देता है। तो वीज़ा फाइनली मिल गया मुझे, होटल जाएंगे। इट टुक अराउंड 1.5 आवर्स 2 आवर्स। एग्जिट किधर से करना क्या, ये है दुबई। चलो गाइस जल्दी से बाहर मिलते हैं, अब बहुत नींद आ रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना कि साला मन को 4 दिन लगेगा घूमने में, देख रहे हो कितना ऊपर है, इतना सारा लगा के रखा है पता ही नहीं चल रहा किधर से आने का।
भाई हो गया है इमिग्रेशन मेरा, और यहाँ सिम भी मिला है दुबई का सिम, 1 GB डेटा भी फ्री मिला है। इसको जल्दी से लगाते हैं जाके, पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से। कहाँ से निकलते हैं यार? दुबई कनेक्ट किधर से? दुबई कनेक्ट स्ट्रेट राइट बहुत लंबा है यार, बहुत बड़ा है, बहुत। तो लग रहा है कि कोई जगह है, अंदर भी नारियल का गाछ लगा हुआ है। चलते हालत ख़राब हो जा रहा भाई, इतना बड़ा है। स्टारबक्स दिख गया कॉफ़ी के लिए, बट अभी नहीं पीऊँगा, अभी सोऊंगा मैं, शाम को पीऊँगा। क्या एमरेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे? ये साइड उधर एरो बना हुआ है सब जगह। मेट्रो यहाँ से मेट्रो छोड़ती है, आपका जाता है एक्सपो, 2020 एक्सपो डायरेक्ट जाती है यहाँ से। ये है एमरेट्स का होटल डेस्क, चलो अंदर जाके देखते हैं कौन क्या। तो शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, जैसे हर जगह लगाया हुआ शॉपिंग फेस्टिवल खरीदे। तो मैं जा रहा हूँ अभी बस के पास, बस से होटल हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, फिर होटल से वापस आते वक्त एयरपोर्ट हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट सही से रखना। तो अपना रूम मिल गया है थर्ड फ्लोर पे, लिफ्ट से जाते हैं थर्ड फ्लोर पहले। अंदर शॉपिंग मॉल भी है, वो देखते हैं, अच्छा व्यू आना चाहिए रूम से। सर्विस काफ़ी अच्छा है गाइस, इतना लंबा है यार। ये तो थोड़ा मूवी सब में देखते नहीं थे, लंबा लंबा एकदम कॉरिडोर एकदम वैसे लग रहा है। और ये सबसे अच्छा है स्वैप करने का दिया हुआ है कार्ड, क्यों नहीं है। तो हमारा फ्लाइट है कल सुबह 3 बजे, तो डिनर इंक्लूडेड है, और 11:30 हमें वेकअप कॉल दिया जाएगा, और 12 बजे यहाँ से हमें वापस लेके जाया जाएगा। 63, 64, 65, 66, 67, 68 ये है हमारा रूम। वाओ, दिल खुश हो गया यार, 2 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा बट दिल खुश हो गया रूम देख के, और बालकनी दिया, थैंक गॉड। यहाँ से व्यू भी मस्त है, तो वहाँ से दिख रहा है पूरा, मेट्रो भी दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी सही रूम है, काफ़ी सही रूम है भाई, मज़ा आ गया। हाँ बाहर बहुत धूप है, तो बाहर तो मैं अभी जाऊंगा नहीं। मस्त टेबल टीवी भी दिया हुआ है, मस्त चॉयर भी दिया हुआ है, डिनर इंक्लूडेड है। पूजा होती तो लगाता ही है। सबसे मेन चीज होटल में जो होता है वो है बाथरूम, कहीं की लगाना पड़ता है क्या, की कहाँ रखी उधर रखा हुआ है। एसी ऑन हो गया, सही है, बोला ना की डालना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे की डालना पड़ेगा। इंसर्ट द कार्ड, चलिए। ये चीज़ बहुत अच्छा है, बाथरूम से निकल के तुरंत उधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, काफ़ी अच्छा है ये चीज़ नया मैंने देखा। अब जाकर लाइट वाइट चला, वाईफाई हो गया मेरा कनेक्ट, और स्पीड देख लेते हैं, मैसेज तो खड़ा खड़ा गुजरा है।
एयरपोर्ट में 50 Mbps था। पानी का बॉटल मैंने मंगाया अभी, हाउसकीपिंग जा रहा था और सिम भी मेरा आ गया। तो गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो और हमारा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि ऐसे ही मुझे एनर्जी मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए बनाता रहूं और आप लोग को एंटरटेन थोड़ा कर सकूं। तो प्लीज़ गो एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से आप प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी ब्लॉग्स मैं डालूं आप लोग को डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए और विदाउट एनी डिले आप डायरेक्ट जाके प्ले करके देख सकें।